खेत में 11,000 की लाइन की चपेट में आ जाने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम नगला भूरी की है। यहाँ के रहने वाले 45 वर्षीय धर्म प्रताप अपने घर से लोहे का पाइप लेकर खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक पाइप 11,000 की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया और देखते ही देखते धर्म प्रताप आग के गोले में तब्दील हो गए। धर्म प्रताप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना वो हमारे चाचा लगते हैं, धर्म प्रकाश यादव नाम है। सुबह 7:30 बजे लगभग खेत में जा रहे थे तो पाइप लिए थे, अपने कंधे पे रखे थे, तो नीचे पानी पड़ा था तो पैर फिसल गया उनका। तो उससे वो पाइप, उसमें 11,000 की लाइन थी, वो टच हो गया। टच होने से उनकी मृत्यु हो गई। सूचना कितने बजे मिली आपको? सूचना मुझे तुरंत मिल गई है 2 मिनट में, क्योंकि गांव की बात थी और गली में हादसा हुआ।